हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने हम रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त रुबीना अशरफ, सादिया इमाम एंड नादिया। तो जी, अब ये एक ड्रामा था जिसके बारे में नादिया बड़ी पॉजिटिव थी कि हमारे ड्रामे जो हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, हमें इनक्रेज करना चाहिए और अच्छे। और ये बड़ी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है जब आप किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं कि आपने बहुत अच्छी प्रोडक्ट देनी है ताकि कल को बाकी ड्रामों के लिए भी रास्ता खुले। अगर आप कोई ऐसी चीज़ दे देंगे जो कि उस मैार की नहीं होगी तो फिर ये भी हो सकता है कि आइंदा कोई चीज़ नहीं लेगा। तो अब्दुल्ला पूर के देवदास के बारे में क्या राय है? ट्रिकी राइटिंग है, तो बीना जी क्या कहते हैं इनसे जानते हैं। मेरे लिए ये ड्रामा सबसे पहले विजुअल्स, बिल्कुल हर कोना जो उसने चूज किया है दिखाने के लिए वो मुझे लगता है कि कुछ नया है, वर्ल्ड क्लास है। हाँ। वर्ल्ड क्लास विजुअल बना रहा है, जहाँ गली में लड़के बात कर रहे हैं, जो छोटा ऊपर जो घर था उसका छोटा सा, पहली जो हवेली में घुसने का था जिस बारिश वाला, तो इतने ही कोई कमाल विजुअल्स हैं कि विजुअल्स के हिसाब से तो हम वर्ल्ड क्लास लग रहे हैं इस ड्रामे में। कहानी थोड़ी सी ट्रिकी कहानी का फॉर्मेट है, सम यू नो कि वो पहले हमें कंफ्यूज करते हैं फिर उसके बाद क्लियर करते हैं। जैसे कि हमें लगा कि मार दिया है इसने उसको और माँ ने कहा कि उसको बताना मत कि देवदास आया है यहाँ पे, और वो जाती है और वो देखती है एक लड़के को और वो पहचानती नहीं और कह देती है कि इसने मारा है, एंड शी डजंट इवन नो दैट ही इज देवदास। हमें बाद में पता चलता है कि वो जो कहना था कि वो नहीं आया वो क्यों था, ताकि वो इसको वो ना समझे, और फिर तो चाहिए मार रहा होता या कुछ भी कर रहा होता उसने शायद डिफरेंटली रिएक्ट करना था और गवाही नहीं देनी थी। सो ऐसी बहुत सी सिचुएशन आ रही हैं, जैसे कि अर्जुमन रहीम खुद लेके जाती हैं जब तैयार करवाने, हाँ, और फिर खुद भगाती हैं। वो अभी खुलेगी, हाँ, वो अभी इतनी खुली है सिर्फ कि बताया है कि इन्होंने वो जब गले मिलते हैं वो शॉक था व्यूअर के लिए, ओ अच्छा ये क्या हुआ है, ओके थैंक यू सो मच। और फिर उससे पहले मैं ये सोचा था कि वो भी खुलना है, वो भी खुलना है, और फिर ये भी दिखाया कि वो उसको क्यों बुला रही निकाह के लिए। मैंने कहा ये तो इससे निकाह के लिए जा रही, तो उसको वो भी सारा जब एंड हुई एपिसोड तो खुला, अच्छा इसलिए बुला रही थी क्योंकि उसने अर्जुमन रहीम ने उसे भगाना था। यहाँ तक ठीक है, सिर्फ एक जगह जो कि अभी तक मुझे हजम नहीं हो रही है, आई होप कभी वो भी इसी तरह क्लैरिटी के साथ सामने आ जाए, या शायद इट्स टू लेट फॉर दैट सिचुएशन टू यू नो रियली मेक एनी सेंस नाउ, इज दैट व्हाई डिड दिस गर्ल फॉल इन लव विद देवदास। यस, अंधा प्यार तो सुना था, इतना अंधा नहीं सुना, मतलब देखे बगैर किस लम्हे, किस बात, वो लम्हा नहीं पता चला, वो लम्हा ही नहीं पता चला, क्योंकि उस लड़की ने अपेरेंटली कभी देखा नहीं उसको, है ना, यही उन्होंने दिखा रहे हैं अभी तक बताने की कोशिश की है। और उसने कहा कि तुम हो कौन, एंड द गाइस सेड मैं हूं अब्दुल्लापुर का देवदास। अच्छा, कितनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन सकती थी जो मेरे दिमाग में आई थी ड्रामा देख के, कि वो उसे पोइट्री पढ़ने का शौक होता और वो किसी मैगजीन में पढ़ा करती है अब्दुल्लापुर के देवदास जो पोइट्री लिखता है, और जिस दिन वो बारिश में मिलती है तो उसे वही मिल जाता है। ये तुम कितने अकलमंद, कितनी ये एक सीन डाल देते हैं, अच्छे लगे हो तुम, अभी तुम्हारी राय अब हमेशा के लिए मैटर करती है। नहीं, लेकिन टेक माय वर्ड बैक, यू ऑलवेज, तुम फिर भी एक कैच चल रहा है, फिर भी कैच चल रहा है। हां, क्या राइटिंग पढ़ी थी? हाँ ना, डॉक्टर सजाद ने पढ़ाई थी राइटिंग, राइट, तो या दैट इज व्हाई, तो ही वाज माय टीचर डॉक्टर सजाद, तो हमें वो ये सिचुएशंस होती थी उनको बिलीवेबल बनाने के लिए, हम सोचा कि हमारा हमें करवाते थे हमारा टेस्ट क्या होता था कि ये सिचुएशन है, अब इसमें आपने एक सीन डालना है और आपने सिचुएशन को रिलेटेबल करना है, बिलीवेबल करना है, तो फिर अब इसमें यही था कि वो लड़की पढ़ती होती यूनिवर्सिटी में थी, वो कहती है आज उसका कॉलम छपा है, जो भी लोग लिखते हैं आर्टिस्ट या ऑनलाइन लिखते हैं, और उसने सिर्फ नाम कहा है कि मैं हूं अब्दुल्लापुर का देवदास, और अब उसको जो भी मासी को वो कहती, जो कि उसने कहा कि देवदास कौन है यहाँ पे, हाँ, अब्दुल्लापुर का, और उसका तखल्लुस होता है, उसका तखल्लुस होता है, वो लिखा करता है, एवरीबॉडी नोज दैट दिस गर्ल, ये हुआ ना ड्रामे में कि ढूंढ रही है एक देवदास को, वो देवदासी बन गई है वो, यू नो, लेकिन इतना फ्लिप होने के लिए क्लियर हो जाती इस एक सीन से, हो जाती इस एक जुमले से या एक बात से क्लैरिटी, और ये क्लैरिटी अभी मिसिंग है इस प्ले में, जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है। And then those little places जहाँ वो clarity आने लगती है फिर नहीं आती somehow, जब ये मिले हैं दोनों अभी पिछली एपिसोड के freeze और पैसे मारती है, उड़ाती है जिसको, हाँ, that also, and then you know वो मिलना, वो जिसमें आ गई है इसके कमरे में, इसके कमरे में, और फिर मिली है, तो अब इतना तो पहचानो कि इस आदमी को मैंने इसके लिए गवाही दी थी, मैंने गवाही दी थी, तो ये तो जेल में था, तो ये कब छूटा, और ये भी तो भागती है वहाँ पे, उसे पता नहीं था कि वो है,
ये कैसे पता उसको, वो कुछ भी नहीं पहचान रही कुछ जिसमें वो एक मोमेंट जिसमें वो रजिस्टर होना था कि वो पहचान गई है वो छोटा था बहुत छोटा नहीं पहचाना ही नहीं उसने लफ्ज नहीं बोला वो कह रहा है पहचान गई है और वो कह रही है नहीं मुझे तो लगा पहचान जब भी तो भागी है जब भी तो भागी कुंडी लगा के बाहर से कुंडी क्यों लगाई उसने बाहर से कुंडी लगा के गई वो देखती है उसको अच्छा ये तो वो है इसको तो मैंने ये कहा था उसे नहीं पता अब्दुल्लापुर का छोटा देखा और तुम्हें नहीं पता चला इसका मतलब तुम्हारा कसूर क्लियर नहीं हो रही मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा द पॉइंट दैट आई एम कमिंग टू नेक्स्ट कि बहुत सारी जगहों पे ना बहुत सारी क्लैरिटी मिसिंग हो गई है जो कि हो सकती थी और वो और इन्हेंस कर सकती थी सिचुएशंस क्योंकि मुझे लगता है कि प्यारी हैं आई लाइक द प्लॉट आई थिंक इट्स एन इंजीनियस प्लॉट आई लाइक द सिचुएशंस जिस तरह से भाई को फाइनली पता चल गया कि ओए ये तो इस, वही उसका नाम सुन के हाँ वो जिस मोमेंट वो सीन बड़ा प्यारा था कि उसका हाथ भी रखा हुआ होता है उसे पकड़ा होता है जैसे से गुलमान वो हाथ छोड़ देता है जिन जगहों पे हम फंस रहे हैं उनको उनको जरा सा एनहांस ज्यादा होने की जरूरत है बट आई थिंक अदरवाइज आई डोंट नो अभी मुझे अभी मैं कुछ बहुत ज्यादा इसके बारे में बिकॉज इट्स कंफ्यूजिंग मी एंड इट्स कंपेलिंग वॉच सो आई एम इन द मिडल समवेयर I think I'll give it a one thumb. One thumb, sir. Very good job. Two नहीं दे सकूँगी. हाँ नहीं. हाँ. बनता भी नहीं है. हाँ. Sorry, मैं कहूँगी भी नहीं आपको. हाँ 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 मैं तुमसे हाँ तुम्हारी तरफ देखा मैंने कि कब. आपने भी तो नंबर बढ़वाया था ना लास्ट वाले एपिसोड में. दो तो दे. नहीं क्योंकि मैं बिल्कुल यहीं आके फंसी हुई हूँ. के दो तीन जगह उसने देवदास को देखा शुरू के एपिसोड में हमने आके पहले तारीफों के पुल बांध दिए थे अगर आपको याद हो जब मैं भी आई थी कि मुझे इसकी आउटडोर शूटिंग इतनी खूबसूरत वो दुपट्टे गिरना विजुअल इतनी खूबसूरत और अनुषे क्या काम कर रही है अनुषे का बोलना उस बहुत ही मज़ा आ रहा है वो सारे सीन देख के इवन वो जब वो जा रहा होता है ट्रेन स्टेशन पर खड़े होते हैं और वो कहता अच्छा ये तो बोल दो हाँ उसको बोल देना जाके कि वरना जमीला भी कुछ कम नहीं थी तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी मुझे लेकिन नहीं समझ आया ये 50 करोड़ कहाँ से आ गए अब ये अच्छा ये एक्सप्लेन होगा अगेन यार इतना खुलने के लिए तो आप ही बताएं अगली सांस के हमारे पास लिख के नहीं दिया हुआ कि अगली सांस आनी भी के नहीं आनी आपने ड्रामा इतना फंसा के रखा हुआ है कि ये आगे खुलेगा ये आगे खुलेगा ये आगे खुलेगा देखना तो अब ये फॉर्मेट हमें समझ आ गया हर किसी को तो नहीं समझ आ रहा तो इस क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि वो सुबह वहीं से शुरू होता है ना जब हाँ। सूट लेके आता है टीपू जो है उसके लिए सूट लेके आता ले है लेकर क्या प्लान सूट है वो फिर वो लेके आता है ना अब हाँ। इसने रात को कुछ प्लान किया है हाँ। ये उधर हाँ। से निकला है तो कोई प्लान लेके निकला है कि मुझे क्या करना है ओके आगे और हो सकता है जो मुझे लग रहा है जो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ सवेर नदीम ने से प्लांट किया है कि मैं तो निकलवा रही हूँ हाँ ये भी तुम्हारा मुझे बिल्कुल हाँ, सही लग रहा है कि ये सलावत को जाके टफ टाइम दो तुम्हें वहाँ से वो वहाँ से मैं तुम्हारी मीटिंग करवाऊंगी उन लोगों से जो कि तुम्हें अपनी पार्टी में लेके अब तुम्हें उस पे बराबर लाएंगे और मैं तो यहाँ से खड़ी हो रही हूँ वहाँ से वो मेयर के लिए खड़ा और अब उसके सामने मेयर अब तुम खड़े हो गए ये ऐसा कुछ है लेकिन अगेन मोहम्मद अंधी होती ये मैंने सुना था इतनी अंधी होती ये मुझे मैंने कभी ना देखा ना सुना कि मतलब वो आके डाइस पे बोलती है और अब अब्दुल्लापुर के देवदास आएंगे और वो वहीं रुक जाती है अपनी दोस्त के साथ और वहीं बैठ जाती है और इतनी बेतुकी शायरी मैंने जिंदगी में ना सुनी और ना मैं सुन सकती हूँ और मुझे ये डायरेक्टर से उम्मीद नहीं थी क्योंकि डायरेक्टर को मैं काफ़ी सुलझा हुआ समझती हूँ यहाँ इसमें डायरेक्टर का बड़ा हाथ है डायरेक्टर राइटर के साथ बैठता है इसके ऊपर काम करता है वो बहुत बेतुकी शायरी थी कम अज़ कम वो शायरी ऐसी होती है जिसपे मैं कहती कि मुझे इश्क हो जाए जैसे कि जाने जहाँ में क्या नज़्म कंप्लीट की है क्या मज़ा है तो ये एक चीज़ मेरा ख़्याल है कि और वहाँ वो ऐसी फ्लैट होती है कि वो अगला सीन ही यहाँ से शुरू हो रहा है कि यार निकाह करने आए अगली बार वो कहती अभी मिल तो लो मिजाजों को तो जा रही हूँ कहती मिजाज को थोड़ी अब तो देखना है कि कितना है क्या वो उसका हाथ वो थाम लेगा या ये करेगा या मुझसे शादी करेगा उससे पूछो डायरेक्ट निकाह करेगा
यार ऐसी भी कोई अंधी मोहब्बत हो सकती है? वही मैंने कहा ना, एक सीन आपको जस्टिफाई कर देता कि अगर उसकी पोएट्री पढ़ती आ रही होती, उसकी फैन होती, जैसे सपोज एक आप इमेजिन, अब वसी शाह है, ठीक है, वसी शाह की कोई लड़की फैन है यंग एज में, उसे पसंद करती है, जैसे मेरे कॉलेज के टाइम में बहुत लड़कियां वसी शाह की फैन होती थी, वो कहते हैं कि वसी शाह तो एक दफा तेरे हाथ का कंगन, आप हमसे पूछें वसी शाह की रटी नहीं हमें यार, एग्जैक्टली, तो उस तरह कैरेक्टर बनाना, तेरे कान का बाला, और वो खुद शाह होता जो ये बिलाल का कैरेक्टर होता, तो अपने भाई को हमेशा आगे करता यार, तुम मेरी जगह जाके तुम मेरी पढ़ लिया करो, और वो उसकी और अगर वो कंफ्यूज होती है, उसकी फ्लिप हो जाती है, मतलब पढ़ने से कोई बता सकता है ये शायर है ही नहीं, तो मुझे एक उसने लड़के ने काम बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो शहराम का छोटा भाई बना है, तो वो आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, दो अलग कैरेक्टर, क्या वो कमाल है उसमें, वो कितना, और उसमें वो पेंडू लग रहा है अच्छा एकदम ही, वो जब भाई का पता चलता है और हाथ छोड़ता है, कट टू सीन जब हम उस पर जाते हैं, एक तो मुझे सारा खान के कपड़ों पर शदीद एतराज है, वाई देखें घर से तो निकाह के लिए निकली है, अमीर घराने की लड़की दिखा रहे, कपड़े तो कम से कम ढंग के होते, सैलोन ही ढंग का, जूड़े ही ढंग का बना देते, इतना बड़ा करके उसको डबल करके वो बांध दिया, मुझे वो कॉटन के कपड़े नहीं समझ आए, वो सारी टीम जो थी खुमार में गई हुई थी, तो अच्छा फिर तो आप लोगों की तरफ से ठीक है बात, आप ठीक है, फिर टीम का मसला है तो ये कुछ चीजें ना आर्टिस्ट को भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, हाँ मेरा ख्याल है आर्टिस्ट का इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि अपनी लुक्स के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर, अपने काम चीज़ों के ऊपर, कि मैं अमीर हूँ तो मैं अमीर दिखनी चाहिए, मैं गरीब हूँ तो मैं गरीब दिखनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा इसमें मुझे ना अमीर दिख रही है ना मुझे वो उसके किसी भी चीज़ से लग रहा है कि उसको शायरी में बहुत इंटरेस्ट है, या उसको मुझे नहीं पता चल रहा कि उसको अब्दुल्लापुर के देवदास में क्यों इंटरेस्ट है, आपने वो सीन देखा जब वो पिस्टल उठाती है, अगर आप पिस्टल उठाते हैं ना तो प्लीज़ ट्रिगर के ऊपर हाथ रखते हैं डराने के लिए किसी के लिए, ट्रिगर के पीछे हाथ है सारा खान का, तो अगर मैं लड़का होती और मैं उसका मंगेतर होती ना, मैं तो वहीं से उसके हाथ से छीन लेती कि चल बे तुझे तो अभी पिस्टल नहीं पकड़नी आती, थ्रू आउट उसका ट्रिगर के पीछे हाथ रहा है, उंगली रही है, और वो इतने ऑब्वियस सीन, क्योंकि बहुत क्लोजअप में वो है, आप प्लीज़ ज़रूर जाके दोबारा देखिएगा, क्लोजअप में सीन शूट हुआ है, तो वो मुझे समझ नहीं आया, मुझे जो ऑड मोमेंट लगी ना कि वो उतर के भागती है, अब वो लड़का उतरा है, कहते हैं हम गाड़ी में पीछा करेंगे, अब वो गाड़ी में, भाई तुम भी उसके पीछे भाग जाओ गाड़ी, या तो तुम अकेले ड्राइव कर रहे होते ना, गाड़ी रोड के बीच में खड़ी है, उसमें आप रोड पे गाड़ी भी छोड़ देते हैं, अगर आपकी मंगेतर भाग गई है तो आप गाड़ी वहीं पर छोड़ो, वो कह रहा अच्छा चलो क्या करें, फिर उसे कह रहे हैं तुम क्यों देख रहे हो पीछे वाली गाड़ी, कहता है वो मुझे बड़ा ऑड लगा था कि आप पीछे भागो उसके, दोस्त गाड़ी लेके आता रहेगा, तो वो कुछ चीजें मुझे इस दफा नहीं समझ आई, तो मेरी तरफ से भी ये ना बस एक ही है, क्योंकि है तो अच्छा ड्रामा, आगे चल के अच्छा होगा, और वन थम्स अप क्या कर रहा है, नहीं नहीं एक तो बनता है इसलिए मेहनत तो कर ही है, विजुअल्स तो अच्छे हैं, ओवर गलियां कितनी अच्छी शूट की हैं जो मोटरसाइकिल लेके भाग रहे, लाइटिंग एवरीथिंग, नादिया ओवर टू यू, जब शुरू हुआ अब्दुल्लापुर का देवदास, आई वाज वेरी एक्साइटेड, और मैंने बहुत ज्यादा उसके अच्छा बोला, नंबर वगैरह दिए सारा, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, 6-7 में आके ना मैं लॉस्ट हो गई हूँ, मुझे ड्रामा नहीं समझ आ रहा, मेरे लिए सबसे बड़ा जो सैड फैक्टर है उसमें ये कि बिलाल और सारा की जीरो केमिस्ट्री है, कोई भी रोमांटिक ड्रामा हो उसमें हीरो हीरोइन का क्लिक होना बड़ा ज़रूरी है, सीन ही नहीं है ना आपस में, सीन आएंगे तो फिर कैसे मान लो, मुझे कोई फीलिंग ही नहीं हो रही, एक रोमांटिक ड्रामा है, 6-7 एपिसोड हो गए और अभी तक, मतलब इवन इंडिविजुअली अलग अलग भी ना वो हीरो लग रहा है ना वो हीरोइन लग रही है, अभी तक मेरे लिए वो कैरेक्टर्स ने मुझे पकड़ा ही नहीं है ना, इतने बिल्कुल बिलाल के पावरफुल सीन्स हैं टू बी ऑनेस्ट कि बिलाल हीरो मुझे लगे इसमें, ना सारा की कोई ऐसी परफॉर्मेंस और सीन है कि मैं कहूँ यार ये क्या मज़ा आ गया, ना कोई इम्पैक्ट नहीं, बिल्कुल मेरे लिए ना न्यूट्रल गियर में चल रहा है ये ड्रामा अभी तक कोई, हाँ अच्छा जो मुझे लगा वो लगा दूसरा देवदास, नुमान एजाज और सवेरा का, आई लाइक दैट, उसमें तो नुमान एजाज की परफॉर्मेंस प्लस, मतलब देखो ना कि वो खा गए, वो मुझे उधर जो करंट लगे हैं ना वहां से इधर आए, छोटा सा 7 एपिसोड में बिलाल सारा का कोई करंट नहीं, इट हैज टू ट्रांसफर टू मी एज अ व्यूअर, लेकिन जो उन दोनों की इंटेंसिटी थी, जो उन्होंने जेल में खड़े होके बोला है कि भाई ना यू सी दैट्स द थिंग, ड्रामे का ये काम है, हीरो हीरोइन का, एक्टर्स का ये काम है कि वो आप पे तारी हो जाए, उनकी उनका रोमांस उनकी फीलिंग्स, वो मैंने ज्यादा फील किया, मुझे उस ट्रैक के बारे में जानना है क्या हुआ क्या नहीं हुआ यहाँ क्या अब क्या होगा,
बिलाल और सारा से तो मेरी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है इसमें कि वो कहती कि पहले तो तुम वो बदल के जाती थी खुलिया अब नहीं कहते पहले मैं अपनी मर्जी जाती थी आज बुलावा आया ये और वो जब उसे कहता है कि अरना आइंदा नहीं मिलूंगा अगर तुमने मेरी बात ना मानी वो पागल हो गई भाई डर गई खौफ इश्क की इंतहा देखो कि उसने कहा भाई होना है तो क्या इश्क होगा इनका क्या इश्क क्या चल रहा होगा और क्या आई फेल्ट दैट बिल्कुल इट हिट मी दूसरी तरफ जो हमारा दूसरा देवदास है छोटा उसका कोई फीलिंग नहीं आ रही वो कुछ भी कर ले पारो और देवदास की मोहब्बत अकॉर्डिंग टू द लेजेंड जो भी स्टोरी है वो मोहब्बत इश्क जो था वो बचपन का था यहाँ तो सामने ही नहीं आ रहे शक्ल ही नहीं उसको पता मेरा देवदास की शक्ल क्या है तो ये क्या बनी है पारो तो नहीं बनी फिर तो ये माधुरी हुई दूसरी हाँ अनुशे इस पारो बिकॉज उसका इश्क बचपन का है और उसकी फीलिंग और उसकी एक्टिंग फील होती है कुछ हो रहा है वो जो प्लेट तोड़ के जाती है और वो गांव वाला जो फैक्टर था ना विजुअल्स गांव में खूबसूरत लग रहे थे अब शहर में आके वो भी खत्म हो रहा है इसका वो गांव मैजिक अब्दुल्लापुर का खूबसूरत अच्छा। हाँ। बहुत खूबसूरत शूट हो रहा था बहुत प्यारा लग रहा था अभी भी जो वहाँ सीन्स हैं बहुत जबरदस्त हैं अब शहर में आके क्या होता है कि डिसएडवांटेज है कि विजुअल्स इतने खूबसूरत नहीं आने ऊपर से हमारी स्टोरी चली गई है ला 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 लैंड कौन से लैंड आई डोंट नो मुझे देखो डब्बा एक टाइम पे खुलना चाहिए उससे ज्यादा बंद रहेगा ना तो वो डब्बे में अंदर चीज खराब हो जाएगी जो इसमें हो रहा है ड्रामे में कि सस्पेंस व्हिच इज मेकिंग नो सेंस आप कह रहे हो सवेरा ने भेजा है मुझे लगता है नुमान एजाज ने भेजा होगा क्योंकि उसके साथ उसकी बातें बातें होती रही हैं कुछ मुझे यही लग रहा है कि शायद एक गेम प्लान भेजा है नहीं, पर पैसे बट इट हैज टू बी रिवील्ड जब कोई ऐसे एक उसमें जाता है ना ऑक्शन में तो वहां तो टेंडर भरते हैं पहले उससे पहले पैसे भरने आपने अपनी कंपनी के प्रोफाइल ऐसे सस्पेंस और ऐसे ड्रामेटिक लाइसेंस दे देते हैं कि नहीं उन्होंने किया ऐसे सस्पेंस बनाओ जो भी सोचो इम्पैक्ट तो इम्पैक्ट नहीं हो रहा कंफ्यूजन है मैं अब सिक्स सेवेंथ में तो मैं डिसअपॉइंट हो रही हूँ चलें आपके पास क्या इमोजी दिखाने के लिए और बहुत सारी सिचुएशंस हैं हो सकती और मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा इसलिए इसको पहचान क्यों नहीं रही है पहचाना है तो क्लियर क्यों नहीं हुआ शॉक्ड नादिया शॉक्ड है चलिए राइटिंग की बात की जाए शाहिद डोगर रुबीना जी देखो राइटिंग जो है वो इट्स लाइक इट्स गोइंग लाइक दिस एंड देन दिस एंड दिस एंड दिस जैसे हम कह रहे हैं कि जो चीज़ें खुल रही हैं चलो हम कहते हैं ओ अच्छा चलो ये था बट जब वो वहाँ पे होते हैं हम तो हमें बिल्कुल इट्स माइंड बॉगलिंग सिचुएशंस होती हैं वो जो नादिनी ने कहा कि इम्पैक्ट नहीं आता आप सिचुएशन को लेके तो इम्पैक्ट है ना आप यूं हो जाए हाँ और फिर हाँ. जब खुले तो फिर खुले ऐसे कि फिर आपको गूज़बम्प्स दे के जाए वो फील नहीं आ रही सो आई डोंट नो वेदर दैट्स राइटिंग और डायरेक्शन प्लॉट मुझे समझ आ रहा है कि एक इंटरेस्टिंग प्लॉट आप लेके चले थे कि एक लड़की है उसको गलत रीज़न से लेकिन एक लड़का पसंद आ गया है अब उस लड़का वो लड़का उसको छोटे भाई की शक्ल में मिला है बट छोटे भाई को पता चल गया कि ये तो जो बड़ा भाई जिसको जो भी बड़ा भाई या जो भी कज़न उस जिसको पसंद करा था ये वो है सो द प्लॉट इज़ फेयरली ओके बट द वे ऑफ गेटिंग टू सिचुएशंस नीड्स अ लॉट टू बी डिज़ायर्ड यस सो आई थिंक फॉर दिस राइटिंग आई विल बी कुछ कंफ्यूजन ही है मेरे दिमाग में आई थिंक आई हैड सिक्स रिटन डाउन फॉर इट सिक्स व्हिच इज गुड जॉब मे बी सादे मेरे ख्याल अभी ये इन्हीं दो एपिसोड ने बहुत मायूस किया है पिछली तो बहुत विजुअली अच्छी जा रही थी अभी भी विजुअली देखें तो बहुत अच्छा है वो लड़की को का भागना और जिस तरह वो मोटरसाइकिलों पे घूम रहे थे लड़के क्योंकि इतनी बड़ी जगह को लाइटिंग करना बड़ा एक काम होता है लाइट अप करना तो वो जिस वो घर में आके छुपे थे वो बड़ा अच्छा वो भी लाइटिंग बड़ी अच्छी की है वो जगह बड़ी अच्छी है वो सीढ़ियाँ बड़ी अच्छी दिखाई हैं तो टीपू का काम टीपू का करेक्टर कितना मज़े का है जो वो बना है तो ये कुछ चीज़ें दिखने में बहुत अच्छी लग रही लेकिन वो जुड़ने में भी तो मज़ा आया ना तो जुड़ नहीं पा रही तो जुड़ने के लिए अभी तक स्टिल कर मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ डायरेक्शन का कमाल है राइटर का कोई कमाल नहीं राइटर ने सिर्फ लिखा होगा कि सवेरा नदीम आई वो मुलाकात हुई और चले गए ये सिर्फ दो आर्टिस्टों को और डायरेक्टर की अकलमंदी थी कि जहाँ नुमान एजाज हाथ रखता है वो वापस जाता है और जब चला जाता है तो वहाँ सवेरा नदीम अपना हाथ रखती है राइटिंग में भी लिखा जा सकता है हाँ, नहीं, मैं, लिखा होगा अगर उन्होंने लिखा भी है तो उसको है। बहुत अकलमंदी से शूट किया है तो मेरे लिए भी अगेंस्ट सिक्स इससे ज्यादा नहीं हो सकता नादिया
जब मैं वैसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि राइटर ने ना बहुत सारे ट्विस्ट टर्न्स चीज़ें रखी हैं, कुछ ना कुछ बदल रहा है, कुछ ना कुछ आपको सुनानो माने जाज की एंट्री है और ये इवन मर्डर हो जाना इसका लड़के का एकदम सडनली, तो वाव मोमेंट्स बहुत हैं कि प्लॉट है, हाँ बिल्कुल प्लॉट है और बहुत चीज़ें बदल रही हैं, कुछ ना कुछ मज़े का आ ही रहा है, तो स्टोरी में दम है, प्लॉट में दम है, बिल्कुल बस वो इम्पैक्ट लैक कर रहा है, लेकिन वैसे लिखा उसने, मेहनत की है, 7 7 वेरी गुड जॉब। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है, अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू, क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं, टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग की कैटेगरी में 10,300 हुए और शाहिद डोगर साहब के हिस्से में ड्रामा सीरियल अब्दुल्लापुर के देवदास से 1,236 12% बनते हैं, 1.2 मिले हैं इनको, गुड जॉब। डायरेक्शन की बात कर ली जाए, अंजुम शहजाद, पता है मैं इस प्ले के विजुअल्स पे ही डायरेक्टर को नंबर देती हूँ कि जिस किस्म की लोकेशंस और जिस किस्म से दिखाई भी गई है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ हैं वहाँ, अब वो मुझे मुस्तकिल बड़ी अच्छी फीलिंग दे रही थी और लग रहा था कि ये मैं कोई फिल्म देख रही हूँ। सो मैंने बस 2-3 जगहों पे जो मैंने पहले भी बताया ना क्रिंज मोमेंट्स जो मेरे थे वो यही थे कि बेसमेंट में क्यों डाल देना है और फिर कभी खोलना नहीं है। माँ जो थी वो जब जाती थी मिलने के लिए अपने देवदास में, बाद में हमें पता चला कि वो कहाँ जा रही, पहले हमें लगा कि वो कहीं अपने किसी बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, कोई होगा जिससे वो मिलने जाती है, मतलब मिलने जेल में होगा ये नहीं पता था ना, ये बाद में खुली बात। तो वो वहाँ जहाँ कहीं भी मिलने जाती थी तो वो जब मेड को अपने कमरे में बंद करके जाती थी और कहती थी कि बस अंदर ही रहना और जब तक मैं मखसूस नॉक ना करूँ तो तुमने दरवाज़ा नहीं खोलना, तो साड़ी क्यों पहनाती थी उसको, क्योंकि उसने तो दरवाज़ा ही नहीं खोलना था इसके अलावा किसी के लिए, तो वो मेड जो थी वो साड़ी पहन के पूरी तैयार होके उसकी जैसी क्यों लगती थी जब वो जाती थी, तो वो ये वाली बहुत पॉइंट छोटी छोटी जगह थी जो ऑफ थी। वही लड़की क्यों फ्लिप हो गई देवदास पे जो कि पहला हमारा पॉइंट था, सो देयर वर क्वाइट अ फ्यू ऑफ दोज पॉइंट्स व्हिच वर ऑड, बट स्टिल आई थिंक फॉर द विजुअल्स, फॉर द ब्यूटिफुल विजुअल एक्सपीरियंस आई विल गिव अंजुम 7 फॉर श्योर। 7 वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। मुझे सीन इस एपिसोड में बहुत अच्छा लगा जहाँ इरफान मोतीवाला की एंट्री हुई है, क्योंकि सेम सीन को उन्होंने शूट किया, वो कहता है कि दुपट्टा ले लें, वो कहती मैंने तो कोई दुपट्टा ही नहीं दिया, इतनी देर में वो भागते हुए लड़के आते, तो सेम उसको जो पहली एपिसोड में वो भागने वाला सीन है, वो उसका हाथ पकड़ लेती है और वो फखरी दिखता है उसको, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि वो तो अभी तक अपनी ही उसमें ना, उसको लगता है कि फखरी गया नहीं, फखरी वापस आ गया स्टेशन से, और वो जहाँ से पड़ता तो क्या जूते मारती है, और फिर उसके बाद वो भी क्या बदला लेता है, फूल के अंदर मिर्चें डाल के उसे दे देता है, तो वो ये मुझे ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी, और अगेन जैसे इन्होंने कहा कि विजुअली आपको देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है ड्रामा, तो यही आप डायरेक्टर को मार्किंग करते हैं सबसे पहले, ग्रिप है स्टोरी में, स्टोरी की थोड़ी सी मेरा ख़्याल है कि पकड़ और होनी चाहिए डायरेक्टर के हाथ में, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं जिनको अभी मेंशन किया रुबीना जी ने, तो मेरा ख़्याल है कि 7 वेरी गुड जॉब। अच्छा एक चीज़ मुझे हमेशा बहुत ऑड लगती है, जब दिखाते हैं ना थानों का सीन तो अब अंदर मुलाकात हो रही है, बाहर दो पुलिस वाले यूं खड़े हुए हैं, पाकिस्तान में कोई थाने में कोई ऐसे खड़े नहीं होते, मैंने हमें पाकिस्तान का हर थाना देखा हुआ है, बड़े चिल बैठे हुए होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, यूं होते हैं अपने, वो होते हैं ऐसे कोई नहीं खड़ा, बता दो तुम इनको सबको, क्योंकि मैंने क्राइम शो किया 4 साल तो मैंने पाकिस्तान का हर थाना देखा हुआ है। एक जो चीज और यहाँ मुझे समझ नहीं आई, अंजुम दिस इज बिटवीन यू एंड नादिया, मेरा से लेना देना नहीं है, मेरा भी कोई चाहिए, फोन करके पूछूंगी भाई, डायरेक्टर से बात बनती है कि कुछ चीजें जो समझ में नहीं आई वो क्यों नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे सीनियर कुछ एक्टर्स हैं इतना कमाल काम करते हैं कि जब वो स्क्रीन पे आते हैं ना तो वो दूसरी ट्रैक को खा जाते हैं, और यहाँ वही हुआ कि सवेरा और नुमान एजाज का जब ट्रैक आया, जो उनका सीन और वो जब एक फ्रेम में आए हैं और डायलॉग डिलीवरी हुई है, तो ड्रामा किसी और लेवल पे पहुँच गया, एंड आई वांटेड मोर, और उसके बाद मुझे दूसरी चीज़ें थोड़ी सी चाइल्डिश लगी क्योंकि इतना
कमाल परफॉर्मेंस देखे एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी हिम इन द जेल नुमान एजाज. जब आया ना वो सरप्राइज था मेरे को, ओह ये क्या कर रहा है. और फिर जब पता चला कि ये एक और देवदास है तो फिर वो और इंटरेस्टिंग हो गया. लेकिन आगे जाके मैं, मेरे लिए थोड़े से कंफ्यूजिंग रहे 6-7 एपिसोड जो कितने नंबर आगे समझ नहीं आए. बट शॉट वेरी नाइसली, सम ऑफ द सीक्वेंसेस आर वेरी नाइस. अली अंसारी भी अच्छा लगा. वाकई जलील वाला जो कजन नहीं होता जहर, और वो शहजाद नवाज के बाल, उसके देखो गेटअप चेंज है, मैं से चेंज है ये माने आप, तो वो भी अच्छा लग रहा है. अर्जुमन का अगेन एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ आई कि वो क्यों अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा रही है. तो चीज़ें बेहतर होने की उम्मीद है. 6-7 मुझे जो नहीं समझ आया, आई होप आई विल फाइंड द आंसर्स इन द नेक्स्ट एपिसोड्स. तो 7 वेरी गुड जॉब. जी एक जगह न्यूज़ चल रही है कि जी फखर को लोग मिस कर रहे हैं, उसको इलेक्शन लड़ना चाहिए था. कितना बड़ा हल्का इतना इंपॉर्टेंट है कि उसमें न्यूज़ चल रही है. क्या बात, अब वो लाहौर गया है, अब लाहौर जाके उसने जो वो न्यूज़ चलेगी. हाँ न्यूज़ चल गई कि एक आदमी था जिसने इतनी बड़ी 50 करोड़ की जमीन खरीदी और बांट दी. ये जमीन खींच के उसने जमीन खरीद के बांट दी. अगर आप नहीं, अगर आप वेट नहीं कर सकते तो नादिक रंजुम साहब को फोन कर लीजिए. मैं तो फोन करने लगी, मुझे नहीं समझ आया. अब देखो ना ये कंफ्यूजन हो गई है. सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है. अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू. क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में 10,100 वोट कास्ट. तो देखना पड़ेगा अंजुम का, देखना पड़ेगा. इनको मिले हैं 1,111 मिले हैं जो कि 11% बनते हैं, तो 1.1 इनको है. एवरीथिंग इज 1-1. तो जी अब बात करी जाए फीमेल एक्टर की, सारा खान. देखो कुछ ज्यादती सारा खान के साथ हुई है ये कि उसकी सिचुएशंस अनरियल थी, उसको गलत सिचुएशंस मिली हैं. मतलब क्रिकेट ग्राउंड में उसने उस लड़के को नहीं देखा, घर पे जब उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है, तो जिसकी हम शक्ल ही नहीं देखते उससे हम ये भी नहीं पूछते कि तुम्हारा नाम क्या है. और आपने शक्ल नहीं दिखानी थी मगर नाम पूछवाना था, तो ऑड था. आप कह देते कि वो देखना चाह रही है मगर वो उसको नजर नहीं आया ठीक से. बारिश तो बहुत तेज, बारिश में दिख कुछ नहीं रहा. कहीं कहीं इस बात सामने था वो तो. हाँ बिल्कुल सामने था वो, सामने तो बड़ा था. कोई वो बल्कि टर्न भी होता है उसके लिए. एंड व्हेन यू डोंट लुक एट समबडी यू डोंट आस्क फॉर द नेम, यू डोंट से. ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है. आई नो बट वो मैं कह रही हूं ना कि उस बच्ची के साथ थोड़ी ज्यादती हुई है. शी इज अ फेयरली गुड एक्टर बट उसको सारी अनरियल सिचुएशंस दी गई हैं जो कि उसके डिसएडवांटेज में जा रही. सो आई डोंट सी इवन वन सीन जिसमें मुझे लगे कि मुझे सायरा ने इम्प्रेस किया है, सारा खान ने, या फिर कोई ऐसा एक सीन जिसमें मैं कहूँ कि मुझे लगता है कि सीन नहीं था मगर इस बच्चे ने बना दिया. सो देर वॉज नॉट इवन वन सिंगल सीन, बल्कि उल्टा ऐसी जगह थी जो मुझे लगा कि और बेहतर हो सकती थी. जब फाइनली दोनों मिले हैं उस जगह पे जहाँ ये इसी के कमरे में जाके पहुँचती है और बाद में पहचान भी जाती है, वहाँ पे भी वो इतनी तेज़ी से गुजरा उसका देखना और भागना कि वो लॉस्ट हो गया. सो आई पुट तुम क्या देती वहाँ मे बी फिर भागती. हाँ तो मैं क्लियर हो जाती. हाँ ना आप क्लियर हो जाती हैं, आप क्यों नहीं उस बात पे क्लियर हो. आपने क्या नंबर दिए 6-6 वो सीन कहाँ गया जहाँ वो आके इसके देवदास को मार कुटाई होती है और उसे पता चलता है कि जी उसका एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी से और हाँ, उसे हॉस्पिटल लेके हाँ, जा रहे हैं और वो कहती तुम्हारा मालिक कहाँ है. वो कहते हैं मालिक तो घर पर है, मैं तुम्हारे मालिक से मिलना चाहती हूँ. मालिक से मिलके तूने क्या कर लिया था. मालिक के पास जाती तो इसको पता था कि मालिक जो है वो फखरी है. वहाँ तो ये उसको शक्ल से देखती तो है. क्लाइमेक्स बहुत अजीब भाई आप मुझे बताएं, इस लड़की ने उसके खिलाफ गवाही दी, अब तो ये आमने सामने खड़ी जहाँ इसके मुंह पे पैसे उड़ा के कहती है वो मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी का कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी. जबरदस्ती मिला रहे हैं उनको, जबरदस्ती मतलब सामने ये कुछ जगहें होती हैं आर्टिस्ट भी बोलता है कि यार ये मुझे ये मैं इससे नहीं कन्विंस हो रहा तो मेरा देखने वाला कैसे कन्विंस होगा. तो सारा मेरा ख्याल है कि अब आप उस स्टेज पर हो अपनी एक्टिंग के जहां आपको कुछ सवाल अपने डायरेक्टर से पूछने चाहिए हो सकते और अपने राइटर से पूछने चाहिए. उसमें ये लिखा हुआ हो कि जब उस कमरे में आते कमरे में अंधेरा होता है वो सिर्फ आवाज़ सुनती है गुलबाग
वो गुलबानो कहता है ना उसको, मैं कहती हूँ बिल्कुल आवाज सुनती है। उसने जब गवाही दे रही थी तब शक्ल देखी थी, जब पैसे उड़ा रही है तब शक्ल देख रही है, तब तो उसे पता ना कि इसी के खिलाफ मैंने गवाही दी थी। अच्छा, तो ये जेल से वापस अच्छा, कैसे आ गया? इन्होंने ड्रामेटिक लाइसेंस दिया जो कि मुझे ऑड लगा था। अदालत में इन्होंने नॉर्मली क्या होता है, जब वो गवाही देते हैं तो सामने वाले कटहरे में मुल्जिम खड़ा होता है, आप सामने खड़े होते हैं, वो पीछे खड़ा है, वो बहुत पीछे लोगों के पीछे खड़ा किया हुआ उसको, अगर आपने ड्रामा देखा। हाँ, वो भी ऑड है, लेकिन वो कहती है कि इसने मारा है, वो बोलती है इसने मारा है, वो पूरी उंगली उठा के वो अगर खड़ा क्यों था, बात ये ना खड़ा क्यों, प्लेसमेंट सही नहीं, बगैर देखे तो नहीं कह सकते कि किसको कह रही है ना। हाँ। तो ये चीज मुझे, ये तो खबर नादिया खान देंगी अगले हफ्ते साहब से बात करके, सारे ये आपको होमवर्क है। सही बात है, नंबर सात कंफ्यूजन नंबर कह रही है, बस सही यहाँ भी सारा ने फाइव, सॉरी मैं वैसे ही बहुत कपड़ों से ही मैं टेंशन। अच्छा, ये भी चीज थोड़ी सी इरिटेट कर रही है कि लग रहा है जैसे इनकी फोर्स्ड मुलाकात कराई जा रही है, पूरे लाहौर में वो सड़क पे भागी, रैंडम पहुंची उसी जगह सीढ़ियों से चढ़ के उसके फ्लैट में। असल में जो राइटिंग है ना वो बड़ी डीप लव की बात कर रहे हैं अभी, लेकिन वो फील ही नहीं हो रहा, वो डीप लव नहीं हो रहा फील, कायनात जो है वो डीप लव एक सीन में तबरेज और गुलजेब ने फील करा दिया, यहाँ सात एपिसोड हो गए हैं, डीप लव फील नहीं हो रहा, लव ही नहीं फील हो रहा, व्हाई इज इट नॉट हिटिंग मी। और तो ये आई फील सैड कि अभी सारा का भी 6-7 एपिसोड में अभी तक उसका ट्रैक जो है ना इंपैक्ट नहीं बना रहा, उसकी परफॉर्मेंस के मैं नंबर दूं, आई विल गिव हर अ 6। गुड जॉब। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी, अब बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 12,600 हुए हैं और अब्दुल्लापुर के देवदास से सारा खान के हिस्से में आए हैं 1,008% बनते हैं, 0.8 मिले हैं इनको। अब बात कर ली जाए देवदास की, यानी कि बिलाल अब्बास की। तो आप कुछ भी कर ले, नंबर तो उसको मिल ही चुके होंगे, आई एम श्योर। हाँ, फैन फॉलोइंग। या ही इज डूइंग फाइन, ही इज डूइंग ओके, बट वो जो एक वाओ मोमेंट है वो नहीं आ रहा, जहाँ उसने देखा वो, उसको वो सीन अच्छा था जहाँ पे वो कहता है ये मुदैया, ये मुदैया है, किसने मेरे खिलाफ कंप्लेन की, कहता मुदैया है, कहता बस आधा केस तो ही हार गए, अब तो मतलब मैं हार गया। आई लाइक द लुक दैट ही गेव व्हेन ही रियलाइज कि ये कौन आ गई है उसके सामने। बात बहुत ज़्यादा ऐसी जगह नहीं है, क्योंकि कहानी इतना उलझा देती है आपको कि आपको यू नो इतनी ज़्यादा, एंड देन नुमान एजाज की परफॉर्मेंस के सामने किसी और की परफॉर्मेंस नज़र आना भी ज़रा सा मुश्किल है। I think I'll give Bilal, I'll give Sara 6, I'll give him a 7. Seven. हाँ. Very good job. बिलाल को क्योंकि हमने बहुत अच्छा काम करते देखा, चीख ड्रामा अभी तक मेरे दिमाग से नहीं निकला है ना, मेरे दिमाग में अभी तक क्या कमाल काम किया। फिर इश्क मुर्शिद अगर आप देखें उसकी एपिसोड देखें, वो माना कि उसका कत्ल कर दिया उस ड्रामे के, लेकिन कमाल काम आर्टिस्ट ने अपना काम किया। तो यहाँ आके उसके पास स्पेस ही नहीं, जगह ही नहीं है, उसको ना राइटर दे रहा है जगह, ना उसको डायरेक्टर दे रहा है, आगे चल के शायद हो बहुत सारी जगह मिले उसका, हमें अच्छा काम दिखे, लेकिन तब तक के लिए मेरा ख्याल है कि 7। तब तक के लिए 7 ना दिया। इजाज़त दीजिए, बिलाल की परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है इज लॉस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन, टू मच रनिंग अराउंड, यस टू मच ट्रांसपोर्टेशन हैपनिंग, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। जुल्म वही हुआ कि प्लॉट ये था कि मोहब्बत हो गई लेकिन लड़की ने उसको, वो उसको पहचानती नहीं। हाँ। लेकिन मोहब्बत जो हुई वो जस्टिफाई नहीं कर पाए, मोहब्बत हुई नहीं, कब हुई कैसे कब हुई कन्विंस नहीं किया, तो वो मोहब्बत राइटर डायरेक्टर जस्टिफाई नहीं कर सके कि किस वक्त हुई, और चूंकि वो हुई नहीं और हमने फील नहीं की तो आगे कहानी चलती जाएगी तो कैसे करें, जब तक वो फीलिंग ही नहीं आई कि कब कहाँ कैसे हुआ, तो उसके बाद सारे इमोशंस
आर डेड बिकॉज जो उनका लव है वो मुझे फील करना चाहिए था, वो मुझे नहीं पता कब कहाँ कैसे हुआ. ये सफ़र कर रहा है एक्टर्स, इसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं कि प्लॉट जस्टिफाई नहीं हुआ, बन नहीं सका, हो नहीं सका, कुछ और होना चाहिए था. अगर उसकी शक्ल नहीं पहचान नहीं थी, कुछ और ऐसे होता, तो उसकी वजह से एक्टर्स जो है ना सफ़र कर रहे हैं. नंबर्स 6-7 में 6 अगेन सारा की तरह, ये भी लॉस्ट है. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी. अब बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए 10,200 हुए हैं और बिलाल अब्बास के हिस्से में आए हैं अब्दुल्लापुर के देवदास से. लोग बात भी नहीं कर रहे, इसका जिक्र भी नहीं हो रहा, इसकी क्लिप्स भी नहीं आ रही है. ये था अब्दुल्लापुर का देवदास.